Hi everybody, happy Friendship Day again. I went back because video में थोड़ा सा lag था. क्या चल रहा है? How was your day? How was your Friendship Day? हम ऐसा assume करते हैं ना, पता है मैं बहुत जब young थी ना, in fact जब मैं school में थी ना, तभी Friendship Day एक ऐसा दिन होता था, मतलब Valentine's Day से भी ज़्यादा exciting ना मेरे लिए Friendship Day हुआ करता था. इसलिए नहीं कि मेरे बहुत ज़्यादा friends थे, बल्कि मुझे ये imagination आती थी कि आज पूरी दुनिया भर में कितने सारे लोग कितना सारा सेलिब्रेशन कर रहे होंगे ना, कितने सारे लोगों के पास कितने अमेजिंग फ्रेंड्स होंगे, यू नो, एंड आई एम द ओनली वन हु इज हैविंग लाइक वेरी लिमिटेड पीपल, लिमिटेड फ्रेंड्स एंड नोबडी टू इवन विश एंड टू बी विथ. एंड मुझे याद है हर बार हर साल ना मुझे बड़ा दोस्त वाला अकेलापन लगता था. एवरी सिंगल टाइम इट यूज टू हैपन, एवरी सिंगल ईयर आई हैव ऑलवेज फेस्ड, इवन व्हेन यू हैव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स देन ऑल्सो यू फील लाइक यू नो व्हाट मे बी यू वुड वॉन्ट टू हैव a set of people who would care for you, who would make you a priority and be with you. बात ये है कि आप अकेले नहीं हैं. अगर आपको आज के दिन अकेला लगा या ये लगा कि आपकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है जस्ट बिकॉज आपकी जिंदगी में दोस्त नहीं है, ट्रस्ट मी, मैं बस ये बताने के लिए आई हूँ आपको कि आप अकेले नहीं हैं और आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं. हेलो 8,000 पीपल, आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं लाइफ में, बिकॉज क्या है ना, अल्टीमेट पावर हमसे और आपसे बड़ी है, दैट इज यूनिवर्स. Universe knows when to send good people in your life and when to keep you alone so that you can focus on your work, on your commitments and on your career. Because kai baar na lovers se zyada na aapke friends circle aapko affect karta hai, knowingly unknowingly ek osmosis hota hai jahan pe aapki growth ya to bahut acche se progress hoti hai ya fir aapki growth na डिक्लाइन पे चली जाती है जस्ट बिकॉज आपका सर्कल वैसा होता है. अरे कर ले यार, एक और स्मोक कर ले, एक और सिगरेट, एक और ड्रिंक, क्या फर्क पड़ता है. होता है ना ऐसे दोस्त इंसिस्ट करने वाले. प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है कि अगर आपके दोस्त सिर्फ आपको चिलिंग के टाइम पे याद रखते हैं या उनको लगता है कि चलो मिलते हैं का मतलब यही होता है कि लेट्स हैव ड्रिंक्स एंड डिनर एंड फूड एंड फूड एंड पार्टी इज गुड, बट इफ दे आर एसोसिएटिंग योर कंपनी ओनली एंड ओनली विथ नशे, देन दैट्स नॉट अ गुड साइन. इनफैक्ट पता है बॉम्बे में आकर के ना मैंने ये रियलाइज किया कि फ्रेंडशिप की डेफिनेशन एकदम चेंज हो गई है. यू अंडरस्टैंड, हर किसी ये मैं ना आपके ना मिथ है ना जो फ्रेंडशिप डे को फ्रेंडशिप्स को लेकर के और फ्रेंडशिप डे को लेकर के वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्लियर करूँ, बिकॉज आई थिंक ये वो चीजें हैं जो कि कोई बात नहीं करता, यू नो. एंड ये मैंने बात की अपने लोगों से, हैव एक्सपेक्टेड अ डिफरेंट life, at least from other people, ki they will say that you know it's amazing to have a lot of friends. Eventually har kisi ke life mein na ek ya do log hote hain jo ki dil ke kareeb hote hain, best friends hote hain. Otherwise sabke life mein na bas casual hanging out friends hote hain jin se kuch na kuch kaam hota hai ya fir jo ki sirf aapka akelapan thodi der dur karne ke liye aate hain, and then they just forget about you the whole week and then they remember you on the weekend to have fun with, which is absolutely normal, which is absolutely okay and you should have those people. But I'm saying इस बात को लेकर के ना sad मत हो कि close friends नहीं है या chilling friends नहीं है या friend circle नहीं है या लड़कियां नहीं है या लड़के नहीं है, blah blah blah. Lockdown has made of course us more sadder and lonelier, I understand, but still let me tell you, you're meant for nicer people, you're meant for bigger things and you're meant for all those yacht cool parties, not here. No, don't play small. And to get there, you have to be alone so that you can focus. Do you think Elon Musk must be having a lot of friends? Does he have time? No. Theek hai, isliye sad mat ho. I'm there for you. Happy Friendships Day once again. Let's redefine what is Friendships Day for us. For all you know, it could be your mom. For all you know, it could be your brother. For all you know, it could be your cat, your dog. Anything and anyone who gives you happiness, who gives you a lot of abundance of great butterflies in your stomach, that is your friend. And I know, you know what, you're the luckiest if you find a friend in a lover. Nothing can be greater than that, trust me when I tell you that. Agar aapka pyar dosti se bana hai na, then you are the luckiest, you know, you don't need anybody. So don't feel lonely, don't feel alone. You're fine just the way you are. And in fact, if you're hanging out too much, if you're drinking daily, if you have too many people in your life, question yourself, what are you doing with your life? Are you heading somewhere? Abhi se ek saal pehle bhi aise hi party kar rahe the, abhi bhi party kar rahe ho, agle saal bhi party ka plan hai.
अगर लाइफ इज अबाउट जस्ट दैट एंड गॉड ब्लेस यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ हैप्पी फ्रेंडशिप डे वंस अगेन एंड देयर फॉर यू गुड नाइट एंड आई एम गोना गो लाइव एंड वी आर डूइंग कैरियोके टुनाइट वी आर डूइंग कैरियोके सॉन्ग्स आई एम टेकिंग रिक्वेस्ट्स एंड आई एम गोना सिंग फॉर यू हाउ अबाउट दैट सो जॉइन मी ऑन वेशी जना कुछ स्पेशल चाहिए चलिए बताइए चंदन What can I sing for you? Make a request and I will make sure that I can give it a good try to sing a nice song. कोई गाना बताओ यार बजाने के लिए कोई इस माहौल में. Come on, I'm not able to even figure out. यार पता है इस मामले में ना FM stations बड़े सही होते हैं ना आपको Google ही नहीं करना पड़ता यार. It's like the same thing ना how you have to just you confused what to watch on Netflix. Similarly, you confused what to Google on. YouTube to know your own mood, you know. अच्छा कौन सा सॉन्ग लग जा गले डैम काउंट ऑन मी इज अ गुड सॉन्ग बट नॉट एवरीबडी विल नो लग जा गले के फिर हसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा गले से लव यू सी यू यारी ये कौन सा सॉन्ग है चलो मिलते हैं अन्वेषी जनाब पे वहां पे फुल ऑन सेशन होगा म्यूजिक का एंड आपसे बातें करने का लेट्स शेयर स्टोरीज लेट्स टॉक अबाउट कौन सा सॉन्ग है लेट्स डू दिस थिंग देयर